नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सबरी में कराए जा रहे हैं कुछ ऐसे कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और एक बेरोजगार को दिला सकती है रोजगार। मात्र 3 महीने का कोर्स और मनचाही इनकम। यहाँ पे 2 किस्म के करियर कोर्सेस कराए जा रहे हैं, रिपेयरिंग कोर्सेस एंड मल्टीमीडिया कोर्सेस। रिपेयरिंग कोर्सेस में है मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग, मॉनिटर रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, LCD, LED, TV रिपेयरिंग एंड CCTV रिपेयरिंग। और मल्टीमीडिया कोर्सेस में है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, एनिमेशन, VFX, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एक्टिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सबरी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंटर है। हर प्रकार के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आधुनिक यंत्र और माननीय शिक्षकों द्वारा कोर्सेस कराए जाती है। यहाँ पे हर एक कोर्स के बाद नौकरी की सुव्यवस्था भी की जाती है। अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहे तो ऑक्सबरी उसमें भी सहायता कर सकती है। मंजिल दूर नहीं दोस्तों, अभी ऑक्सबरी में चल रहा है 25% डिस्काउंट हर एक कोर्स के ऊपर। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है रिपेयरिंग कोर्स के लिए या मल्टीमीडिया कोर्स के लिए, आप लोग हमारे ऑफिस में आइए, हमारे कोर्सेज के बारे में जानिए, सीखिए, अपने आप को जीवन में काबिल बनाए। इसके अलावा भी हर रोज़ 11 से 1 बजे तक हम लोगों का यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस एंड फ्री वर्कशॉप भी चल रहा है। सर, क्या नाम है? समित। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप सिक्योरिटी हो? कब से सिखा रहे हैं? हम यहाँ पे 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल सिखा रहे हैं। आपने एजुकेशन कहाँ से? हम कलकत्ता से। अच्छा, आज बच्चे को जब आप सिखा रहे हो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम इस काम बहुत पहले से करते हैं, 8 साल से करते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं कितना टाइम लगेगा? 6 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन उसको जो बैकअप देने के लिए साल भर लगेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है तो लाइफ टाइम बैकअप मिलेगा यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काली मंदिर। अच्छा, आपको कैसे पता चला यहाँ पर ट्रेनिंग होता? मेरा नाम सोनू मिश्रा है। अच्छा, आप यहाँ कब से सीख रहे हैं? यहाँ मोटा मोटी 2 महीना होने चला। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते हो? मेरा खुद का दुकान है। अच्छा, और हम यहाँ पे सीख के अपने ही दुकान में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं? यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। अच्छा, मैंने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुविधा, मतलब कि हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग का दुकान में अगर कुछ आ जाता है सेट तो हम ला के यहाँ रिपेयर भी करवाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। 2 महीना में क्या सीखा? अभी तो मेरा मतलब कि थ्योरी हुआ है और प्रैक्टिकल का भी जस्ट एक क्लास ही हुआ है, तो उसमें मोबाइल चार्जर का पिन बदलना वगैरह ये सब मैंने सीखा है। आपको क्या लगता है कब तक आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स को? 2 महीना 3 के अंदर अंदर और कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम तपन्ना है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ पर स्पेशली चिप लेवल डेस्कटॉप लैपटॉप प्रिंटर एंड मॉनिटर सिखाता हूँ। आपने कहाँ से सीखा? हम कलकत्ता से सीखे थे। अच्छा, उसके बाद हम दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद कलकत्ता में काम करते थे, अब आके यहाँ पर ज्वाइन किया। कितना टाइम लगता है सीखने में बच्चों को? सीखने में 1 साल में पूरा कोर्स अगर सब सीखना चाहता है सब मिलकर 1 साल में हो जाएगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम में करना चाहता है, मतलब जल्दी से जल्दी सीखना चाहता है, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी सीख सकता है। डिपेंड करता है उसका कितना ग्रिप करने का उसका क्षमता है। आप कब से सिखा रहे हैं बच्चों को? मेरा इस लाइन में कम से कम 7 साल हो चुका है। अच्छा, अभी जो बच्चों को देखते कैसा लगता है, उसके पास टैलेंट है या फिर उनका टाइम बर्बाद कर रहा? नहीं, डेफिनेटली टैलेंट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज उसका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है कि वो सिक्योर कर पाए, प्रोटेक्शन दे पाए लैपटॉप को? तो स्पेशली जो लैपटॉप यूजर्स हैं उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कम से कम 6 महीना 1 साल में एक बार खुद का लैपटॉप सर्विस में लेके आए, क्योंकि हम लोग जब सर्विस में आता है तब सबसे ज्यादा गंदगी हमको मिलता है फर्स्ट, और गंदगी से वजह से उसमें कार्बन जमता है, कार्बन से जमने से फंगस जमता है, फंगस जमने से आईसी शॉर्ट होता है। तो एक छोटा सा चीज के लिए कहां से कहां चला जाता है। कोई भी लैपटॉप ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा वॉश करने से साफ हो जाता है, तो ये अगर पहले से वॉश कर लेता है तो उसका प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। यहां पे सिखा रहे हैं? हम बेसिक सिखा रहे हैं, बेसिक स्टार्टिंग है, बेसिक सिखा रहे हैं। उसके बाद इनका मोबाइल है तो मोबाइल में जाएगा, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में जाएगा,
ठीक है, लैपटॉप है तो जिसका लैपटॉप है वो लैपटॉप में जाएगा, जिसका डेस्कटॉप है डेस्कटॉप में जाएगा। अभी फिलहाल लोगों को बेसिक सिखाया जा रहा है, बेसिक में कौन सा पास कहाँ लगा हुआ, कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है, उसको चेक करना है। जो बच्चे सीख रहे कितना टाइम लगता है उनको सीखने में? प्राय तीन घंटा टाइम देकर उसको सिखाना पड़ता है। कितना दिन में वो सीख पाएंगे? जैसे का कोर्स है, किसी का 6 महीने का कोर्स है ऐसा, हाँ किसी का 1.5 महीने का भी कोर्स है। जो बच्चे सीख रहे उसके पास कैसा टैलेंट है? टैलेंट तो अच्छा है, समझ बच्चा लोग से पूछिए, बच्चा लोग बोलेगा और कैसे सिखा रहे हैं वो बोलेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं। क्या नाम है आपका? इमरान सर अली। अच्छा सर से आप ट्रेनिंग लेते कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है तुम्हारा कोर्स कब तक तुम कंप्लीट कर पाओगे? बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा जैसे सर हम लोग को सिखा रहे हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ अच्छा समझ आ रहा है कैसे सिखा रहे हैं। हम दुर्गापुर से आ रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुदीप सिंह। अच्छा आप यहाँ पे क्या कौन सा किस नाम से अपना इंस्टीट्यूट चलाते हो? ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर का नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सबरी। अच्छा कब से चला रहे हैं यहाँ पे? ये सेंटर हमारा 3 साल हो गया यहाँ पे चल रहा है। अभी आपके पास कितने रोल स्टूडेंट हैं? हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल 150 से ऊपर ही स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे। अच्छा आप यहाँ पे कौन कौन कोर्स कराते हैं? हमारे यहाँ पे ऑल टाइप्स रिपेयरिंग कोर्सेस, रिपेयरिंग कोर्स में आपका आएगा जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल में 4 पार्ट है, एक है कीपैड फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट फ़ोन और आईफोन। इसके साथ है आपका लैपटॉप रिपेयरिंग, कोई भी कंपनी का हम लोग लैपटॉप हमारे पास आता है रिपेयरिंग के लिए, हम लोग ट्रेनिंग कम सर्विस दोनों ही करते हैं। डेस्कटॉप मतलब कोई भी कंपनी का कंप्यूटर हो जाए उसका भी रिपेयरिंग हम लोग करते हैं। तो हो गया आपका मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, LCD, LED, TV, हार्ड कंप्यूटर, हार्डवेयर, मदरबोर्ड रिपेयरिंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग, A to Z कोर्स हम लोग के पास अवेलेबल है। यहाँ जो सिखाते हो फैकल्टी कहाँ से आते हैं? हम लोग का जो फैकल्टी लोग हैं कोई कोलकाता से आ रहा है, कोलकाता से 2 फैकल्टी आ रहा है, एक है तपन नायक और एक है सुमित सर, ठीक है। और भी दो फैकल्टी आते हैं हम लोगों का, जो लोग पुरुलिया से आते हैं वो लोग मोबाइल का स्पेशलिस्ट है, वो लोग मिनिमम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो लोग प्रैक्टिकल सर्विस भी करते हैं, पार्ट टाइम क्लास भी कराते हैं। कितने बच्चों को अब तक आपने जॉब दिया जो यहाँ पर सीखे और आज वो यहाँ से टोटल कर रहे हैं? यहाँ से टोटल हम लोगों का कम से कम अभी 3 साल में 36 स्टूडेंट है, जो लोग लोकल आपका जो लोकल सर्विस सेंटर है जैसे डेल, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, ये सर्विस सेंटर में आफ्टर कोर्स से 6 मंथ का कोर्सेज होता है, 4 मंथ का कोर्सेज होता है, काम सीखने के बाद वो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके फी स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट एक कोर्स करता है जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्सेज करता है, तो इसका जो कोर्स फीस है मिनिमम मान लीजिए 6 to 10,000 होता है। कभी कभी कोई अगर एडवांस कोर्स करता है जैसे आईफोन का भी कोर्स करेगा तो उसका 15,000 होता है, तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स करेगा, मिनिमम बजट के अंदर में ही हर एक कोर्स अवेलेबल है। और कुछ फैसिलिटीज़ है क्या आपकी जो लोग पुअर सेक्शन से आते हैं? एक्चुअली अगर हैंडीकैप्ड है या कोई स्पेशली लेडी वगैरह जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए 25% डिस्काउंट है यहाँ पे। और एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करते हैं ना, मार्केट में काम जब वो लोग सीख रहे हैं तो बहुत सारे फ़ोन उन लोगों के पास आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो कस्टमर लोग क्या करते हैं ना, इस तरह का कुछ फ़ोन वगैरह हम लोगों के पास लेकर आते हैं। जैसे आज जो स्टूडेंट लोग हम लोग क्लास कर रहा है, टोटल 40 स्टूडेंट आज क्लास कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास ऐसा फ़ोन वगैरह, उन लोग कोई ना कहीं उसका शौक है, वो लोग फ़ोन वगैरह लेकर आते हैं। जैसे आज मेरे पास आया है इतना सारा फ़ोन, तो इतना सारा फ़ोन में जैसे समझ लीजिए ये एक फ़ोन है, ये फ़ोन में क्या है ना, ये फ़ोन का डिस्प्ले टूटा हुआ है तो हमको डिस्प्ले चेंज करना है। ये जो डिस्प्ले का जो प्राइस होता है, डिस्प्ले का प्राइस होता है ओनली फॉर 600 रुपीज़, 600 रुपये में ही आपका डिस्प्ले आ जाता है। और जब हम इसको रिपेयरिंग करके कस्टमर को देते हैं तो हम लोग लेते हैं 2,000 रुपये, तो प्रॉफिट इसमें क्या हो रहा है, 1,400 रुपये एक फ़ोन में प्रॉफिट। और इसे मुझे बनाने में लगता है टाइम ओनली फॉर आधा घंटा, तो आधा घंटा में हम लोग 1,400 रुपये इनकम कर सकते हैं। दिन में अगर हम लोग 2 फ़ोन रिपेयरिंग कर सकते हैं तो इजीली 1,400, 1,400, 2,800 मान लीजिए 2,000 भी अगर हम इनकम करते हैं तो भी महीना का मेरा 60,000 रुपये आ सकता है। इस तरह का जैसे आज मेरे पास इतना सारा फ़ोन आया हुआ है, इस तरह का 2 लैपटॉप आया हुआ है हमारे पास, ये एक लैपटॉप है जो आपका HP का है, तो ये लैपटॉप भी ख़राब होगा, ख़राब होकर मेरे पास आया है, हम लोगों ने इसको रिपेयरिंग करके ऑन कर दिया है, तो इसका सर्विस चार्ज हम लोगों ने लिया है 2,000 रुपये। तो जैसे लैपटॉप वगैरह हमारे पास आता है रिपेयरिंग के लिए, कोई स्टूडेंट अगर खुद रिपेयरिंग कर सकता है, दिन में 2 लैपटॉप रिपेयरिंग कर दिया तो 4,000 रुपये उसका दिन का इनकम, मतलब बच्चे यहाँ सीख के अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा अर्निंग कर सकते हैं वो लोग। मार्केट में लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो बोलते हैं बच्चों को प्लेसमेंट देंगे, लेकिन जब बच्चे सीख जाते हैं तो उसके बाद वो जाते हैं तो ऑफिस भी गायब हो जाती है, उसके
और हाँ। को चले जाते हैं हाँ। तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं उसके लिए क्या गाइड लेना आपका? जो बच्चे लोग सीखना चाहते हैं मैं बोलूँगा उन लोगों के लिए ऐसा काम सीखो जो काम कर सीखने के बाद वो लोग किसी के ऊपर निर्भर ना हो। वो लोग क्या करना चाहिए, उन लोगों को अगर मान लीजिए कोई कंपनी बोलता है कि हम लोग आपको ये कोर्स सिखाने के बाद एक अच्छा कंपनी में आपको जॉब देंगे, तो जॉब वैकेंसी अगर उसको नहीं भी मिलता है तो वो स्टूडेंट का क्या होता है ना, समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, लास्ट में वो कहीं का नहीं रह जाता है, ना कोई कैरेक्टर ना अपना करियर को खड़ा कर सकता है ना कुछ, क्योंकि जो उसका गार्जियन है बहुत मेहनत से उन लोगों को पैसा देता है। तो काम ऐसा सीखना चाहिए जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जैसे हो गया मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, ये आपका मान लीजिए ये मैंने नीड हो गया इंसान हाँ, हर एक घर में आपका मिनिमम 2-10 हज़ार का तो फोन होगा ही, 2 तो एंड्रॉइड फोन होगा ही, हाथ से कभी ना कभी गिरेगा, गिरेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो फिर हमारे पास आएगा सर्विस के लिए, और हमारे पास आया तो हम लोग उससे लेंगे 1500 या 2000 रुपये लेंगे, तो अगर मान लीजिए 600 में आपका कॉम्बो आ जाता है तो 1000 रुपये फुल प्रॉफिट हो जाता है हमारा। तो कोई स्टूडेंट अगर ये काम सीख के रखता है तो खुद का बिजनेस, बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं उसको क्या प्लेसमेंट भी देते हो? 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस रहता है आपका लोकल सर्विस सेंटर में, वो अगर मान लीजिए झारखंड से आ रहा है तो झारखंड का में उसको मिल जाएगा, अगर वो धनबाद से आ रहा है तो धनबाद में मिल जाएगा, अगर वो बंगाल से है। बेसिकली कहाँ के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? हमारे पास अभी धनबाद से बहुत सारे स्टूडेंट लोग आए हैं, अभी भी क्लास कर रहे हैं, और बांकुड़ा, पुरुलिया, आपका बड़ाकड़, बीरभूम, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे। आपके ब्रांच भी है और कहीं ना? हमारा ब्रांच 3 जगह पे ब्रांच है, एक है आपका उड़ीसा, एक है आपका कोलकाता, और एक है आपका आसनसोल में, 3 जगह में हमारा ब्रांच है। आप तो सब सबको आप ही देखते हो? हाँ, सब ब्रांच में ही। कहाँ टाइम देते हैं आप? मैं तो फिलहाल हर जगह में मैंने फ्रेंचाइजी दे के रखा है, अगर कोई स्टूडेंट लोग अगर चाहता है कि मैं खुद का एक सर्विस एक सेंटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ तो हम लोगों ने सर्विस सेंटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आके अपना। क्राइटेरिया क्या, सिस्टम क्या आपका? इसके लिए उनको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लेस होना चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बस समथिंग जो जो नॉर्मली लगता है वो। जो बच्चे सीख रहे हैं उसमें आपको क्या अच्छाई दिखाई देता है क्या खराबी दिखाई देता है? जो बच्चे लोग सीख रहे हैं वो लोग एक्चुअली बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग ने पहले 10th किया, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर MA कर लिया, कोई BEd कर लिया, कोई मायूस हो गए, वो लोग सब मतलब मायूस हो गया, वो लोग फेडअप हो गया, अब करेंगे तो क्या करेंगे क्योंकि जॉब तो है नहीं। तो अभी इंसान को क्या है ना, मेन है हाथ का काम सीखना है, और हाथ का काम सीखेगा तो फिर वो कुछ अर्न कर सकता है, नहीं तो जॉब का तो कुछ है नहीं। अच्छा, आपके पास क्या एज रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, हमारे यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट हैं कुछ लोग हैं 55 ईयर्स से भी लोग हैं। अच्छा। मिनिमम 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग 56, 55, 48 का स्टूडेंट है, कुछ लोग हैं 35 के हैं, कुछ लोग 18 साल के बाद ही है, कुछ लोग 10th भी पास नहीं कर पाए हैं, मतलब मैट्रिक भी पास नहीं किए, वो लोग भी यहाँ पे आके ज्वाइन करके काम सीख रहे हैं। मेरे पास और एक कोर्सेज है, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और एक्टिंग। अभी मार्केट में और भी ज़्यादा क्रेज चला है कि वेडिंग फोटोग्राफी का, बहुत सारे लोग शादी के लिए वेडिंग फोटोग्राफी का काम कराते हैं, दो दिन का होता है, एक दिन होता है रिसेप्शन और एक दिन होता है शादी, दो दिन होता है। तो दो दिन में जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उन लोगों का सर्विस चार्ज होता है मिनिमम 30,000-40,000 रुपये, दो दिन का काम होता है। कोई स्टूडेंट अगर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग का सीख के रखता है, ज़्यादा नहीं 6 months to 1 year का कोर्सेज है, तो वो दिन में वो अगर महीने में 4 भी अगर ट्रिप पकड़ता है, जैसे 4 भी अगर ऑर्डर पकड़ता है कि मैं 4 शादी का ऑर्डर में पकड़ा हुआ हूँ, तो 4 शादी का ऑर्डर का वो मिनिमम 30,000 भी अगर बजट रखता है अपना, तो मोटा मोटी 8 दिन का उसका मेहनत है, 8 दिन में वो 1,20,000 रुपये कमा सकते हैं। ये जो कोर्स है ये सीखने कितना टाइम लगेगा जो आपने कहा? ये मिनिमम 6 months to 1 year। और कितने इसमें खर्चा आएंगे? इसमें खर्चा मिनिमम वही आपका अगर सिंगल कोर्स करेंगे तो 10,000-12,000 तक में हो जाना चाहिए, अगर वो ऑल टोटल करना चाहिए तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा।